मिश्रा और आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। और हमने जो चैप्टर स्टार्ट करा था द कोल्ड वॉर एरा, उसका ये थर्ड पार्ट होगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एरेनास ऑफ कोल्ड वॉर के बारे में, चैलेंजेस टू बाइपोलरिटी के बारे में, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में, और हम बात करेंगे इंडिया और कोल्ड वॉर का कैसा तालमेल था। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एरेनास ऑफ कोल्ड वॉर। अब एरेनास ऑफ कोल्ड वॉर क्या होता है? एरेना का मतलब होता है युद्ध भूमि, मतलब एक ऐसी जगह है जहां पर कोल्ड वॉर लड़ी जा रही थी, उसको हमने क्या कहा? एरेनास ऑफ कोल्ड वॉर कहा। अब ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ हमें ये यूएस और यूएसएसआर के बीच में जो कोल्ड वॉर है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया हमारा एरेनास ऑफ कोल्ड वॉर। जब यूएस और यूएसएसआर सुपर पावर्स बन गए थे तो ये आपस में लड़ाई करने की सोच रहे थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने मना कर दिया था। अब इन्होंने कुछ ट्रीटीज करी, जैसे कि लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी करी, 1961 में ये ट्रीटी हुई थी, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी करी, देन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी करी और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी करी। ये ट्रीटी करी जिसमें इन्होंने क्या कहा कि आप ना कोई न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी ट्रीटी इन्होंने साइन करी। अब हम बात करेंगे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में। 1972 में UNCTAD ने, मतलब यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने, एक नई ट्रेड पॉलिसी लाई और उसको उन्होंने नाम दिया न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। इन्होंने कहा कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सुपर कंट्रीज को क्या करिए आप कि उनसे सामान लीजिए, लेकिन उस पर ज्यादा टैक्स मत लगाइए और अपनी चीजें उन्हें बेचिए। ठीक है, ये था। फिर उन्होंने कहा कि आप जितनी छोटी छोटी कंट्रीज हैं उसमें क्या करिए कि अपने वाइटल मिनरल्स को इन डेवलप्ड कंट्रीज को यूज करने दीजिए, इससे आपको ज्यादा पैसा मिलेगा और आप डेवलप्ड होंगे। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ने इसको नहीं माना, क्योंकि वो सोच रहे थे कि इससे हम जो अपनी कमाई हमारी नहीं हो पाएगी और हम डेवलप्ड कंट्रीज को और डेवलप्ड बनाते चले जाएंगे और अपनी कंट्रीज को और कम डेवलप्ड बनाएंगे, मतलब और हम अंडर डेवलप्ड में लाते चले जाएंगे। अब हम बात करेंगे इंडिया और कोल्ड वॉर के बारे में। अब देखिए, इंडिया कोल्ड वॉर में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो किसी डिसीजंस पर बात ही नहीं कर रहा था। वो उन डिसीजंस पर बात कर रहा था जिस पर उसे लग रहा था कि उसे खतरा है, लेकिन उन बातों पर बात करके भी वो उन डिसीजंस पर कभी बात नहीं करता था जिस पर उसे लगता था कि बहुत ज्यादा लोग या बहुत ज्यादा कंट्रीज आपस में बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका जो तरीका था वो बहुत फ्लेक्सिबल था। अब जैसे कि दो सुपर पावर्स थे तो वो कभी यूएस के पलड़े में झुक जाता था, कभी यूएसएसआर के, जैसा कि 1971 वॉर के बीच में हुआ था कि जो यूएस थे, यूएस का जो प्रेसिडेंट था उसने इंडिया पर दबाव डाला था कि हम आपको मारेंगे या आपको तबाह करेंगे। वहीं पर पाकिस्तान से भी उन्होंने कह दिया था कि आप इंडिया पर दबाव बनाइए। ऐसे ही यूएस ने चाइना से कहा था कि आप उन पर दबाव बनाइए वरना हम आप पर बम गिरा देंगे। उसकी वजह से तीनों देश एक साथ इंडिया पर दबाव बनाने लग गए। वहीं पर 1971 में हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, वो यूएसएसआर गई और उन्होंने उनसे कहा कि आप हमसे 20 साल की फ्रेंडशिप साइन करिए और आप हमारी प्लीज मदद करिए। तो यूएसएसआर ने क्या करा, एक सिप पूरे न्यूक्लियर मिसाइल से लोडेड लाकर भारत के पास अरेबियन सी में खड़ा कर दिया, बे ऑफ बंगाल में खड़ा। अब उन्होंने कहा चाइना से, यदि आप नहीं मानते हैं तो हम आप पर मिसाइल छोड़ देंगे। उसके कहने पर कि चाइना जो था उसे वापस हटना पड़ा, ऐसे ही यूएस को भी हटना पड़ा, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वॉर हुई 1971। तो बैन ट्रीटीज या ट्रीटीज पर बात करते हैं जो मिसाइल्स के लिए हुई, तो देखिए सबसे पहले हुआ लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। इस ट्रीटी के अनुसार क्या था कि सिर्फ अब कोई भी आदमी न्यूक्लियर मिसाइल्स ना ही अर्थ पर छोड़ पाएगा और ना ही स्पेस पर छोड़ पाएगा। ठीक है, ये लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी था जो यूएस और यूएसएसआर के बीच में साइन किया गया। फिर सेकंड आया हमारा न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्टिंग थ्योरी थी, बहुत ज्यादा इसमें बात हुई। अब इस ट्रीटी के अनुसार क्या था कि सिर्फ 5 कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर पावर थी उस टाइम 1967 के टाइम, वही आगे बना पाएगी न्यूक्लियर
और छोड़ पाएगी, लेकिन कोई और से कंट्रीज ऐसा नहीं कर पाएगी। इसमें यूएसए था, यूके था, यूएसएसआर था, जर्मनी था और हमारा चाइना था, ठीक है। फिर स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। अब ये सॉल्ट, इसके दो पार्ट हुए, फर्स्ट और सेकेंड। अब इसमें बस यही बात हुई कि कौन सी आर्म्स यूज होनी चाहिए और कौन सी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही था स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, इसमें ये भी दो पार्ट हुए, फर्स्ट और सेकेंड। इनमें क्या था, इनमें बस ये बात होनी थी कि कौन से आर्म्स को, मतलब कौन से मिसाइल्स को या कौन सी बंदूकों को हमको हटा देना चाहिए और कौन सी बंदूकों को रखना चाहिए, बस इतनी बात हुई थी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो हमारे पूरा चैप्टर कोल्ड वॉर एरा खत्म होता है। आपके देखने के लिए थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।